नई फिल्म का कलेक्शन गिरते ही बदले महेश बाबू के सुर। अब बोले हिंदी फिल्म करने से एतराज नहीं। पालने से ही एक्टिंग शुरू कर देने वाले अभिनेता महेश बाबू की नई तेलुगु फिल्म सरकारू वारीपाटा चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण की बीते दिनों रिलीज हुई फिल्म आचार्य की चाल चल निकली है। बाप बेटे की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर नोटों की बरसात की, नए रिकॉर्ड्स भी बनाए, लेकिन उसके बाद ये फिल्म तेलुगु की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो गई। अब महेश बाबू की गुरुवार को रिलीज हुई तेलुगु फिल्म सरकारू वारीपाटा का भी वही हाल होता दिख रहा है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन धमाकेदार ओपनिंग की। आंध्र प्रदेश और निजाम फिल्म वितरण क्षेत्रों में फिल्म RRR के बाद ऐसा करने वाली दूसरी फिल्म का रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन रिलीज के दूसरे ही दिन फिल्म का कलेक्शन आधे से भी बहुत नीचे आ गया है। महेश बाबू के सुर भी शुक्रवार को बदलते दिखाई दिए। अब वह कह रहे हैं कि उन्हें हिंदी सिनेमा से परहेज नहीं और वह भी हिंदी फिल्म करना चाहते हैं। अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट की फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च पर देश भर से जुटे पत्रकार के सामने अपनी शेखी बगाड़ने की कोशिश में महेश बाबू ने अपना पाव खुद कुल्हाड़ी पर मार लिया है। जो कुछ उन्होंने बोला और जिस अंदाज में बोला सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुका है। अब वह कह रहे हैं कि ये सब वह मजाक में बोल रहे थे। देशभर के पत्रकारों को महेश बाबू ने हैदराबाद में चुटकुले सुनाने के लिए बुलाया था। ये बात सामने आने पर उन्हें लेकर हिंदी फिल्म जगत में और चुटकुले बनने लगे हैं। फिलहाल शुक्रवार का दिन महेश बाबू की नई फिल्म सरकारू वारीपाटा के धड़ाम हुए कलेक्शन को लेकर चर्चाओं के नाम रहा। फिल्म सरकारू वारीपाटा ने 12 मई को अपनी रिलीज के पहले दिन पूरे देश में 47.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन को लेकर गुरुवार की देर रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक खूब दावे हुए। तमाम नए पुराने रिकॉर्ड्स निकालकर उनके हिसाब से फिल्म सरकारू वारीपाटा की कामयाबी के किस्से भी बुने गए, लेकिन शुक्रवार ने फिल्म के मेकर्स के उत्साह पर पानी फेर दिया। शुक्रवार की रात मिले शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारीपाटा ने रिलीज के दूसरे दिन ही मैदान छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। फिल्म सरकारू वारीपाटा ने शुक्रवार को पूरे देश में सिर्फ 16.50 करोड़ की कमाई शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से की है। ये इसके गुरुवार के कलेक्शन की करीब एक तिहाई के करीब है। किसी फिल्म के कलेक्शन में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म सरकारू वारीपाटा का शुक्रवार का जो हाल हुआ उसने फिल्म के हीरो महेश बाबू की भी घंटी बजा दी है। बताया जा रहा है कि फिल्म के अंग्रेजी सबटाइटल के साथ जो भी प्रिंट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर रिलीज हुए हैं उनका कलेक्शन शुक्रवार को काफी कम रहा है। महेश बाबू भी अब अपने करीबियों से कह रहे हैं कि उन्हें हिंदी सिनेमा से कोई दिक्कत नहीं और वह हिंदी फिल्म करने को भी तैयार है। बहुत चुनिंदा फिल्मों में काम करने वाले महेश बाबू का नाम उत्तर भारतीय दर्शकों के बीच तब चर्चा में आया जब उनकी सुपरहिट फिल्म पोकिरी को सलमान खान ने हिंदी में वॉन्टेड के नाम से बनाया। 46 साल के हो चुके महेश बाबू की खासियत यह है कि तमाम निर्देशकों के कहने के बाद भी उन्होंने कभी पैन इंडिया स्टार बनने के लिए अतिरिक्त कोशिश करने को हार नहीं की। वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अपने प्रशंसकों के बीच ही खुश रहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने सोमवार को फिल्म मेजर के ट्रेलर के लॉन्च पर भी दोहराई। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।